तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास HP का ब्रांड न्यू लैपटॉप आ चुका है और मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास ये लैपटॉप है और इसका मैं बॉक्स नहीं दिया है, आजकल बैग में ही देते हैं। तो बैग से हम लोग लैपटॉप को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, लैपटॉप को बाहर निकाल दिया, इसको रखते हैं साइड में। अब इसके और भी जो गैजेट्स साथ में जो दिए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैन को ओपन करने दीजिए और आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे लैपटॉप के रिगार्डिंग। तो आप लोग लैपटॉप, ये मेरा प्राइस आपको मेरा पड़ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। चार्जर इसके साथ 65 वॉट का चार्जर दिया गया है, जो कि अच्छा खासा लंबा चार्जर है। जो नॉर्मल चार्जर का लेंथ होता है वही लेंथ है। और ऊपर में बैग रखने के लिए, चार्जर रखने के लिए जगह, और नीचे लैपटॉप रखने के लिए स्पेस, और बस और कुछ नहीं। तो अब मेरे पास लैपटॉप आ चुका है सिंपल। एक फाइबर बॉडी के साथ लैपटॉप दिया गया है, जिसका फाइबर बॉडी है प्लास्टिक का, मेड इन चाइना, HP का लैपटॉप है, i3। इसमें आपको 8 GB रैम और 256 GB का SSD मिल जाता है, जिसकी प्राइस आपको 44,000 एकदम पड़ जाएगी। तो आप देख सकते हो, तो इसका स्क्रीन 15.6 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले है, यानी कि फुल HD डिस्प्ले है। मैं इसको ऑन कर दिया हूँ, यहाँ पर आप बटन देख सकते हो, मैंने प्रेस किया और देखिए 256 GB का SSD होने के कारण कितना लेट खुलता है, देख सकते हो। मतलब लेट नहीं, अगर ये 512 GB होता तो और ज़्यादा स्पीड खुलता। तो आप इसका इस खुलने का प्रोसेस देख लिया, स्पीड आपका देख लिया इसका 256 GB का SSD। और मेरा चैनल पे आप जगह जाकर चेक करना तो आपको 512 यानी कि i5 का भी रिव्यू आपको मिलेगा। सेम लैपटॉप, बस i5 और 8 GB रैम और 512 GB SSD के साथ वाला लैपटॉप। तो ये आप इसका देख रहे हो, 15.6 इंच का आपका डिस्प्ले है। ये इसका मैंने टास्क मैनेजर खोल दिया, आप यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको। आप इसका स्पीड देख सकते हो, अभी तो नया लैपटॉप है तो इसका स्पीड देख सकते हो। यहाँ पे इसका 1065 मॉडल नंबर है और इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है 256 GB के SSD के साथ। इसका जो प्रोसेसर आप रन देख रहे हो, कैसे रन कर सकता है, इसमें अवेलेबल बता रहा है 1.5 GB। और इसको आप पाउज करके एक बार पढ़ लेना, टास्क मैनेजर से ओपन किया हुआ मैंने। और आप इसका ग्राफ देख सकते हो, एक अच्छा परफॉर्मेंसिंग लैपटॉप देगा आपको, लेकिन इसमें आप ज़्यादा हैवी एडिटिंग और हैवी वर्क नहीं कर सकते हो। केवल और केवल माइक्रोसॉफ्ट और होम पेंट ऑफिस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप, बेहतरीन लैपटॉप है। आप लोग अगर स्टूडेंट हो, आपको बस 12th तक, आपको ग्रेजुएशन तक आपको केवल कोडिंग वोडिंग करना है, कोडिंग के लिए तो मैं बोलता हूँ आपको i5 लेना चाहिए, लेकिन आपको सिंपल करना है तो आप ये स्टूडेंट के लिए बेहतरीन लैपटॉप रहेगा। आप इसका कीबोर्ड देख सकते हो। और आप तो अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, अगर ग्रेजुएशन तक आपको स्टूडेंट वर्क के लिए आपको लैपटॉप लेना है, तो आपको इससे बेहतर लैपटॉप आपको नहीं लेना चाहिए। इसका प्राइस रेंज बहुत ही अच्छा है और i3 आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आपके लिए i7 लैपटॉप बेहतरीन होगा। अगर गेमिंग के पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो, HP का पैवेलियन लैपटॉप आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। मैं लैपटॉप के बारे में एक साल से रिव्यू करने के बाद ही लैपटॉप का पूरा ज्ञान आपको लेकर मैं बता रहा हूँ कि लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए। आपको जो बता रहा हूँ वो सिंपल सा, आप कुछ मत करो, जो बता रहा हूँ आपको रिगार्डिंग के अनुसार आप खरीदो। अगर आपको क्लास 12th में, क्लास ग्रेजुएशन तक आपको केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ कंप्यूटर बेस्ड चीज़ सीखना है, कंप्यूटर आपको ज्ञान लेना है और थोड़ा मोड़ा गेमिंग करना, GTA अमेरिका, GTA पंजाब, ये सब खेलना है, तो आप लोग i3 के लैपटॉप ले सकते हो। और उसके बाद अगर आपको हल्का सा GTA 5 ये टाइप का कुछ भी गेम खेलना है तो आप i5 की तरफ ले सकते हो। जी अगर आप एसफॉल 9 खेलते हो तो आप i5 ले सकते हो। i5 आपको लेना चाहिए, उससे कम तो आपको लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हार्ड ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन एडिटिंग करते हो बहुत फिल्मोरा 9 से, तो आपको i9 लैपटॉप लेना चाहिए या i5 का बेहतरीन प्रोसेसर के साथ। आप, मैं बोलता हूँ, अगर आप 70,000 के ऊपर अगर केवल गेमिंग और एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेते हो तो लैपटॉप लेना ही बेकार है, आपको PC की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप अच्छे खासे मतलब पैसा